दोस्तों आज की कहानी है मम्मी जी ये मेरा ससुराल नहीं पिंजरा है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कितनी सुहानी शाम में ढलता हुआ सूरज कितना मनमोहक लग रहा है। रोशनी आज साइकिल चलाते हुए जरा दूर निकल आई थी, ढलती सांस को देखकर वहीं खड़ी हो गई जो उसके दिल की सुकून पहुंचा रही थी। तभी रोशनी का फोन बजा, देखा तो नीलेश का फोन था। रोशनी वहाँ कहाँ रह गई, तुम सब चिंता कर रहे, जल्दी घर आओ आती हूँ कहकर रोशनी ने फोन वापस रखा और एक ठंडी सांस छोड़ी। सल भाई रोशनी फिर से उस पिंजरे में वापस जाना। रोशनी की शादी एक साल पहले ही नीलेश से हुई थी। नीलेश एक बड़े बिजनेस मैन का बेटा, खुद भी पिता के साथ बिजनेस में लगा हुआ। ससुराल घर के सासू माँ का बनाया पिंजरा है, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। भरी भरकम कपड़े और जेवर पहने रखो जबकि रोशनी की पसंद ये सब नहीं है। उसकी पसंद तो खुलकर जीने में है, हल्के फुल्के कपड़े, सादा खाना और कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना। लेकिन सासू माँ की पसंद है दिन भर सहेलियों के साथ किटी करते रहो इस खुले आसमान से, तो उन्हें जैसे सीढ़ सी है। कुछ दिनों बाद नीलेश को बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने शहर से दूर जाना था, साथ में रोशनी को भी ले जाना था। उस प्रोजेक्ट में करीब एक साल का समय लगना था। सासू माँ ने हजार हिदायतें देकर उन दोनों को विदा किया। यहाँ आकर नीलेश को अपने ऑफिस से इतना समय नहीं मिलता कि वह रोशनी के साथ घूम सके, इसलिए रोशनी ने अपने पंखों को उड़ान देने के लिए नीलेश से कहकर एक साइकिल खरीदी जिस पर वो रोज शाम को घूमने जा सके। कुछ दिनों बाद नीलिमा जी उन दोनों के पास रहने आई तो वो ने देखा शाम को रोशनी जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर रही है। वो अलग क्या रहने लगी हो, तुमने तो शर्म भी बेच दी। नीलिमा की शिकायतों का पुलिंदा खुल चुका था। मम्मी जी मैंने रोज शाम को आधा घंटा साइकिल चलाने की आदत बनाई है, बस उसी वजह से ये कपड़े पहने हैं। साइकिल की बात सुनकर नीलिमा जी ने बहुत हंगामा किया, जाना है तो गाड़ी से जाओ, हमारे घर की बहू साइकिल से घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे। मम्मी आजकल तो फैशन है साइकिल पर घूमकर, सेहत तो बनती है, शरीर भी फिट रहता है। अगर रोशनी की यही पसंद है तो उसको उसकी पसंद का काम करने दो, नीलेश ने अपनी माँ को समझाना चाहा। तो फिर एक्सरसाइज वाली साइकिल घर पर लाकर रख दो, घर के अंदर ही साइकिल चलाओ और कर लो अपने शरीर को फिट। घर में रहकर खुलकर बिंदास जिंदगी जियो। नहीं मम्मी जी, मैं घर से बाहर जाकर ही साइकिल चलाना पसंद करती हूँ, पूरा दिन तो घर में रहते ही हैं, कम से कम एक समय तो घर से बाहर निकला जाए और बाहर की ताजी खुली हवा में सांस ली जाए। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, आप कह रही हैं खुलकर जी लो, मगर कैसे कहकर रोशनी ने अपनी साइकिल ली और सर्दी अपने आसमान से बात करने। रोशनी और नीलेश ने प्रोजेक्ट वर्क की वजह से घर शहर से बाहर लिया था, इस वजह से यहाँ शहर की भीड़ भाड़ भी नहीं थी, जिससे कभी कभी रोशनी ढलती सूरज का पीछा करती दूर निकल जाती। आज तो रोशनी के मन में अंतर्द्रद मसा हुआ था। सासू माँ का घर रूपी पिंजरे में कैद करके रखना उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। खैर नीलेश का फोन आ गया था, रोशनी को घर पहुंचना था। घर पहुंचकर रोशनी ने जल्दी से सबको चाय बना कर दी और फिर खाने की तैयारी में लग गई। देखा माँ आपकी बहू
मैं कितनी फुर्ती आ गई है। पहले हमेशा आपकी शिकायत रहती थी, रोशनी बहुत सुस्त है, कोई समय काम समय पर नहीं होता। मम्मी जब हमें अपनी पसंद का काम करने को मिलता है तो हमारी सुस्ती सुमत्र हो जाती है। यही रोशनी के साथ हुआ, वहाँ ये घर के अंदर बंद अपने आप को एक कैदी की तरह समझ रही थी। इसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। यहाँ आकर मैंने इसे बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। शाम के इस आधे घंटे से रोशनी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस करती है। इससे इसके अंदर फुर्ती तो आ ही गई हो, मेरे साथ हमारे प्रोजेक्ट पर भी डिस्कस करती है। इसके बहुत से प्लान बहुत अच्छे हैं। मैं तो धीरे धीरे रोशनी को अपने बिजनेस में पूरी तरह लगा लूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मम्मी सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, सबको घर में रहना या सहेलियों के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। बहू को आधा घंटा तो उसकी पसंद से जीने का हक है ना, सबकी पसंद अलग अलग होती है। मुझे भी रोशनी जैसी लड़की ही पसंद है, मैं उसका साथ पाकर बहुत खुश हूँ। नीलेश की बात सुनकर नीली माँ जी सौंप गई। उन्होंने ऐसे तो सोचा ही नहीं थी, बेटे की पसंद तो सबसे पहले थी, वह ये क्यों भूल गई। सही में रोशनी उनकी सहेलियों की बहुओं में सबसे अलग थी, सबसे ज़्यादा फिट और एक्टिव, जिसका ध्यान घर की बातों में नहीं था। नीली माँ जी ने रसोई में जाकर रोशनी को गले से लगा लिया, उसके साथ खाना बनाने में उसकी सहायता करने लगी। रोशनी रसोई के दरवाजे पे खड़े नीलेश से आंखों से पूछ रही थी कि ये सब क्या हुआ। नीलेश ने भी आंखों से ही जवाब दे दिया, सब नॉर्मल है, तुम खुश हो जाओ। रोशनी भी सास और पति की पसंद की सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, हमें लगता है कि अगर हम एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें तो घर में किसी भी तरह का मन मुटाव ना हो, क्योंकि आखिरकार सबकी भावना